अब मैं पहली गाड़ी ले रहा हूँ सामान भाई अपनी, ये लाइफ की आपकी पहली गाड़ी है? लाइफ की पहली गाड़ी है, तो मैं जब ही ना बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ यार। नहीं भाई, फिर तो आपने ख्याल करके ले। आवाज़ सुन लो, भारी आवाज़ आ रही है। हाँ भारी। अब पीछे आ जाओ, ये साइड है पूरी पॉलीगेट पे। भाई मेरे को छोड़कर आ जाओ यार, छोड़ मोड़ के नहीं आ जाओ खुद। नहीं नहीं, मैं क्या छोड़, गाड़ी तुमने दिलाई हर गाड़ी। मुझे कहाँ से लेकर आए हो, इतना दूर लेकर आए हो? भाई पहली गाड़ी है, चूना नहीं लगा देना यार। नहीं नहीं बॉस, आपको गाड़ी ऐसी देंगे जो वापस लेंगे। आज इस माइक को करेंगे एक साइड, क्योंकि हम जा रहे हैं गाड़ी लेने। आज है हमारे साथ, दो साल से बाइक के ऊपर घुमा रहे हैं यार। अब तो आज अब तो गाड़ी बनती है। हमें तो गाड़ी चेक करना नहीं आती, तो हम अपने साथ मैकेनिक को लाए, गोशी भाई को। गोशी भाई चेक कर लेंगे ना। भाई क्या फालतू में आए यहाँ पे, चेक करने आए यार, चेक करके बताएंगे आपको। कौन सा मैकेनिक लेकर आया तू? माशाल्लाह से गाड़ी साफ सुथरी है, अंदर से भी देख, से सही लग रही है, अंदर से भी नई जैसी है, अंदर से भी नई जैसी। भाई ये पन्निया, ये पन्निया देख रहे हो? हाँ ये पन्निया, तुम्हें बता, तुम आज के बच्चे लोगे, नए हो जाओगे तुम भी। पन्नियों को देख रहे हो? पन्निया तो मैं भी चढ़ा लूँ किसी पे भी। स्विफ्ट का एवरेज कैसा है? एवरेज इसका सही है, बेहतर है, लेकिन ये काम की नहीं तुम्हारे। तो तुम कह रहे हो मुझे डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, तो ये देख क्यों रहे हो फिर? भाई पहले अपना माइंड बनाओ कौन सी गाड़ी लेनी है, टाइम ज़ाया करवा रहे हो मेरा भी यहाँ बुला बुला के। तुम लोग कौन सी गाड़ी देखनी है पहले वो देखो। तो गाड़ी लेने आए ना, अच्छे मूड से लेंगे, बिल्कुल सही है, सुकून से लेंगे, अच्छा काम करने आए, चिड़चिड़ापन वगैरह नहीं करेंगे। आवाज़ सुन लो, भारी आवाज़ आ रही है। हाँ भारी। अब पीछे आ जाओ, ये साइड है पूरी पॉलीगेट पे। अब यहाँ सुनो, हल्की आवाज़ आ रही है। हाँ ये हल्की आ रही है, ये जेन्युइन पीस है। एक गाड़ी यहाँ देखो, एक गाड़ी सही गाड़ी, तो कोई अच्छी गाड़ी दिखाओ ना, उसके बारे में बताऊंगा अभी। नहीं आप हो या मैं हूं? तो मैं चेक कर रहा हूं, आप बढ़िया। भाई मेरे को छोड़कर आ जाओ यार, छोड़ मोड़ के नहीं आ जाओ खुद। नहीं नहीं, मैं क्या छोड़, गाड़ी तुमने दिलाई हर गाड़ी। मुझे कहां से लेकर आए हो, इतना दूर लेकर आए हो, अभी बोलो खुद ले आओ। आप गाड़ी निकाल दो अच्छी, मैं आपकी दिहाड़ी दे दूंगा। और अभी आपने जाकर उसामा से ले ली गाड़ी, फिर तो फिर उसामा को दिहाड़ी दे दूंगा। मेरी दिहाड़ी, ये 3 घंटे मेरे जाया किए तुमने। गाड़ी नहीं दिलाई, तुम हर गाड़ी पे आके क्या कर रहे हो? तुम और तुम यूं आते हो, यूं आके ये पेंट है, बम्पर कलर है, ये है। तो भाई है ना, अब मैं पहली गाड़ी ले रहा हूँ सामान भाई अपनी। ये लाइफ की आपकी पहली गाड़ी? लाइफ की पहली गाड़ी है, तो मैं जब ही ना बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ यार। नहीं भाई, फिर तो आपने ख्याल करके लेना। आज जब आपने कॉल करी, मैंने उसी टाइम मंगवा ली थी गाड़ी। मैंने कहा आप आएंगे, ये गाड़ी है और कौन सी है वो तो चेक कराएं, जो सुबह से हो रहा है मसला। जब भी आप गाड़ी लेंगे ना, ये आपके व्यूअर्स के लिए भी और आपके लिए भी है, कुछ चीजें होती है जो आपने चेक करनी होती है बॉडी में। क्या क्या स्वामी? उसके अंदर ये होता है कि ये कहाँ लगेगा, इसका ये यहाँ लगेगा। देखो गाड़ी बेच रहे हैं, इनको ये नहीं पता। नहीं नहीं पता मुझे। अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे शॉक टावर्स वगैरह होते हैं। सही है, इसको शॉक टावर बोलते हैं। ये सामने की पट्टी है मेन, इसमें आपने स्पॉट्स देखने होते हैं। वो सुबह मैकेनिक आया था, वो क्या बोला था? गोले 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 बोल रहा था। अच्छा हाँ, शॉक टावर्स बोलते हैं, और ये सामने वाली जो पट्टी होती है वो पट्टी भी बोलते हैं, वैसे इसको नोज बोलते हैं। नोज? हाँ, ये गाड़ी की नोज, ये गाड़ी की नाक है जी। ये गाड़ी की नोज है, गाड़ी की नोज के आपके ये स्पॉट्स जो होते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, ये सब जेन्युइन है स्पॉट्स। ये सब चीजें चेक करनी होती है, इससे पता चलता है गाड़ी आपकी एक्सीडेंट है या नहीं है, या कभी लगी थी या नहीं लगी। मतलब ये गाड़ी कहीं नहीं लगी भी, ये कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुई भी। हाँ। ये आप देख लें, हर स्पॉट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, सब ओरिजिनल है। ये है ओरिजिनल चादर की निशानी। ये क्या है साहब भाई? ये इसके अंदर वो लाइट्स लगी हुई है, ये देखे ना, लाइट्स भी हैं। हाँ, अंडर ग्लो लाइट्स हैं। ये LED वगैरह निकालेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भाई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो चीज आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, एक अच्छे गाड़ी रखने वाले की निशानी पता है क्या होती है? आप फ्यूल चेक करवाएं। हाँ, फ्यूल तो इसका फुल है। एग्जैक्टली, ये एक अच्छा गाड़ी रखने वाला इंसान जो होता है ना, उसका फ्यूल फुल होता है, ये याद रखिए। क्योंकि भाई गाड़ी तो आपकी अपनी है ना, पेट्रोल निकालेंगे तो नहीं? नहीं, पेट्रोल के साथ ही मिलेगी आप। सही लग रही है, चल रहा है कुछ बस ऐसी मार रहा है। नहीं नहीं, अंदाजा हो गया भाई सुबह से देखते हुए। आए मैं आपको ट्रंक चेक कराऊं इसका, मैं खोल लूं। आपने वो नहीं किया? वो ये हाँ भाई, आप बुरा मान रहे हैं करने से। अच्छा जी, अब ये चेक करें आप, एक एक चीज़ इंटैक्ट है गाड़ी की, आपने पीछे से चेक कर लें। सब चीज़ें अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे। सलमान जी जो है वो पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो यार, ये तो गलत है यार, ये गलत क्या हुआ? ये गलत है, बाहर मेरी बहुत इज्जत है, आप लोगों को शायद पता नहीं है। फील आ रही है कि अपनी हो गई है ना, जिस तरीके से मैं इसके साथ लेटा हूँ ना, तो अपनी ही लग रही है, अपनी ही लग रही है, अपनी ही लग रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने गाड़ी चेक करते हुए लेनी है वो ये टिकली। ये क्या है टिकली? भाई ये बड़ी जरूरी चीज है, इस पे जंग हो जाती है, आपको पता है? अच्छा, ये गाड़ी की समझ लें, ये पता है क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना,
खतरा भी होती है। नहीं नहीं वो नहीं है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है इसका। अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट यहाँ से हट गया तो गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए गिर गई। वाकई में जी। इसको तो मैं एलपी से चिपका दूं फिर। अच्छा अभी मैं स्कैनर लगाता हूँ, मशीन लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। नहीं मैं अपना मैकेनिक बुलवा। नहीं नहीं भाई आपको मशीन लगा के चेक करें, मैकेनिक क्या बताएगा। अपना मैकेनिक बुलवाए वो बाबा होगा, यूं कान सुन के बोल रहा होगा ये इंजन में ये है भाई, हम यहाँ से चेक कर लेंगे। और अगर मशीन में गाड़ी खराब आ गई तो बस फिर हम नहीं लेंगे, दूसरी गाड़ी देखेंगे। सामाई पहली गाड़ी है, चूना नहीं लगा देना यार। नहीं नहीं बॉस आपको गाड़ी ऐसी देंगे जो वापस लेंगे। पक्का? हाँ हाँ, वरना मैं अपने बच्चे ले आऊँ और आपको मालूम है मेरे बच्चे कैसे हैं। नहीं भाई मैं पना मांगता हूँ। नो फॉल्ट कोड। हाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नो फॉल्ट कोड, इंजन में नो फॉल्ट कोड, ब्रेकिंग में नो फॉल्ट कोड। चलें जब तक फाइल आ रही है और आप पेमेंट ट्रांसफर करवाएं, हम गाड़ी की जब तक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। सामा भाई की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी की लेंगे अगर बच गए तो। बिल्कुल खुशी है भाई, और गाड़ी ले जाके बच्चों को दिखानी है। अच्छा पहले बच्चों को दिखाई। पहले बच्चों को दिखाई। गाड़ी तो बहुत सेक्सी ले ली है यार। गाड़ी कैसी ली है बताओ यार। मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन वीआईपी भाई, हमें तो चाहिए ट्रीट। भाई ट्रीट तो बनती है यार, लेकिन हम ट्रीट से पहले करेंगे एक काम, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं हम, और वो हम करेंगे तुम्हारे हाथों से। चलो आओ बच्चों को लिए दे दे, मैं ले जाऊँ बच्चों के लिए दो उनको। यकीन करेगा 6 बच्चे हैं, मैं जोड़ के बोलूँगा दो। अब 6 बच्चों के लिए थोड़ी ना दूंगा, 3 पैकेट दे रहा हूँ, 2 बच्चों को 1 पैकेट में खिलाओ। ओवेस के लिए आज सब कमेंट्स में कहेंगे कि ओवेस बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि ओवेस के हेटर्स बहुत हो गए, इसलिए ओवेस का दिल बड़ा करने के लिए आज ओवेस के हाथ से हमने करवाई है इफ्तार लोगों को। और आज हमारा रोजा भी बाहर ही खुल गया है, हमने पहले लोगों को रोजा खुलवाया है गाड़ी लेने की खुशी में। दिल को सुकून मिल गया। सुकून मिल गया ना, जबरदस्त। बंदा खुद खा के इतना खुश नहीं होता, दूसरों को खिला के ज्यादा खुश होता है। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ भाई, दिल से अच्छा लगा। मैं बोलता हूँ कि सारी टेंशन है जो भी थी ना, जो कुछ था माइंड में स्ट्रेस, सब दूर हो गया। सुकून मिला। सुकून मिल गया ना वैसे थोड़ा। सुकून मिल गया। मुझे भी बहुत सुकून मिला है, ट्रीट से ज्यादा मजा इसमें आया है। ट्रीट तो वैसे भाई मिलेगी आप लोगों, बेफिकर हो जाओ आप लोग। हाँ मिलेगी मिलेगी। कब मिलेगी? कहीं तुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा लोगों को जो खिलाया? वही तो यार, कुछ खिलाया। अब गाड़ी में घुमा करेंगे हम लोग। असल में लोग बढ़ गए थे ना, गाड़ी लेनी जरूरी हो गई थी यार। बहुत फोन फैंस मिल रहे थे रोडों पे, इधर उधर जहाँ खड़े हो वहाँ जमा हो जाए। आज कमेंट में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, आई लव यू ओवेस जीवा। रुक जाओ उन्हें दो, उन्हें अस्सलाम वालेकुम भैया। हटो सलाम, शीशा टूट जाएगा यार। अरे शीशा तोड़ देंगे ये भाई, भाई तोड़ देंगे। मैं बुढ़ियों के लिए दे रहा हूँ यार, तू रुक जा, ये ले आप ले लेना। आंटी शीशा टूट जाएगा यार, निकलो। ये लेते ही सबसे पहले शीशे क्यों काले हुए? ये ओवेस के लिए काले हुए हैं, ओवेस की पर्सनैलिटी, ओवेस के फैन फॉलोइंग, सिर्फ ओवेस के लिए शीशे काले करवाए हमने। हाँ गाइस कराने पड़ेंगे, क्योंकि अब जरूरत पड़ गई है, अब फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई है बहुत ज्यादा। इस वक्त मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान और इंडिया में हमसे अच्छा शो किसी का भी नहीं है। कपिल शर्मा हो गया, कोई भी शो हो गया, सब बहुत हमारे आगे बहुत छोटे हो गए। कपिल तो काफी नीचे चल गया। गाइस वो वाहिद शो है जिसकी हर दूसरी क्लिप ट्रेंडिंग पे जा रही है। अरे भाई शो आने से पहले उसकी पिक्चर ट्रेंडिंग पे चल रही है, तो शो क्या होगा? वीडियो लीक होती है, हमारा शो लीक हो रहा है। हमारे शो भी लीक नहीं हो रहा, शो की एक पिक्चर लीक हो रही है और इतनी हाइप बन रही है। गाड़ी जो आज मैंने ली है ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ली है, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, और आपका भाई जो है ऐसी गाड़ियाँ लेते रहेगा। और आपको कहीं जाना हो तो ये गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी अब आपकी भी है, आप आगे चाबी ले आ सकते हैं।